क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द फॉलोइंग, और ए नंबर का जो क्वेश्चन है 9x² + 4y² - 16y² + 25x² इसको यहीं से हम सॉल्व लिख रहे हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x² / 2y² - 16y² को लिख सकते हैं 4y² / 5x² अब देखिए यहां भी पावर 2 है, यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है, तो हम लिख सकते हैं 3x / 2y² - 4y / 5x². देखिए ये जो आइडेंटिटी है a² - b² के रूप में है, तो हम जो आइडेंटिटी होती है a² - b² क्या होती है, बाय यूजिंग a² - b² = a + b a - b। तो यहां पर देखेंगे a = क्या है, हियर a = 3x / 2y एंड b = 4y / 5x। तो देखिए a² - b² के रूप में तो हो जाएगा a + b और a - b, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x / 2y + 4y / 5x, एक ब्रैकेट में ये रहेगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, फिर 3x / 2y और b की जो वैल्यू है 4y / 5x है, तो -4y / 5x ये आंसर आ गया। नंबर देखेंगे बी में, देखिए a³b - ab³, तो यहां से यदि हम देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, तो ए बी हमारा सॉल्व यहीं से शुरू हो जाएगा, ए बी कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा a² फर्स्ट वाले में और दूसरे के लिए बचेगा b², और यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a² - b² = तो हो जाएगा ए बी और a² - b² = जाएगा a + b और a - b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और साइड में आइडेंटिटी भी आप लिख देंगे a² - b² = a + b a - b। इधर जो है ई नंबर का देखेंगे, ई नंबर का है 36a² + 36ab + 9b² तो देखिए इधर इसको हम लिख सकते हैं 6a² इसको अभी छोड़ देंगे इस वाले प्लेस में, 2ab वाले प्लेस में, इसको लिख सकते हैं 3b² देखिए a = 6a मालूम हो गया और b = 3b मालूम हो गया, तो 2 × a मीन 6a × 3b, यदि इन सबका मल्टीप्लाई करें हम तो 6 × 3 = 18 और 18 × 2 = 36ab आ जाएगा। तो देखिए इधर ये अभी जो हम यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a² + 2ab + b² = a + b² ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो यहां पर क्या है हियर a = 6a and b = 3b, तो ये a² + 2ab + b² के रूप में है, तो हम उसको लिख देंगे a + b² और a = हमें मालूम है 6a + 3b² और 6a + 3b² का मतलब है 6a + 3b और 6a + 3b, ये आपका आंसर है। जी नंबर का है x² + 16xy + 16y² - 9z² यहां पर देखेंगे हम अभी इस पार्ट को देख रहे हैं, ये जो a² + 2ab + b² के रूप में इसे हमें लिखना होगा और यही आइडेंटिटी लगेगी, तो ये तो ऑलरेडी a है मीन्स x², इसको अभी छोड़ दीजिए और 64 को लिख सकते हैं 8y² और देखिए इधर ये a = x हो गया, b = 8y हो गया, अब देखिए इधर 2ab मीन्स x × 8y, तो 8 × 16 16xy आ गया हमारा इधर, फिर आगे देखेंगे -9z², अब यहां पर a² + 2ab + b² क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर दो आइडेंटिटी लगेगी, मैं लिख दे रहा हूं बाय यूजिंग
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर अब ये आपको लिखा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, हियर अगर इस पार्ट को देखें, हियर ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू एट वाई, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एट वाई का होल स्क्वायर माइनस नाइन जेड, नाइन जेड को हम लिख सकते हैं थ्री जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एट वाई प्लस थ्री जेड और एक्स प्लस एट वाई माइनस थ्री जेड, ये आपका आंसर आ गया। जे है 25 पी स्क्वायर माइनस 19 पी क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर। तो देखिए इधर इसको हम 25 पी स्क्वायर को ले सकते हैं 5 पी का होल स्क्वायर, और अभी माइनस टू ए पी वाला स्पेस छोड़ देंगे, और इसको ले सकते हैं 9 क्यू का होल स्क्वायर। देखिए ए इक्वल टू 5 पी हो गया और बी इक्वल टू 9 क्यू हो गया, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 5 पी इंटू 9 क्यू। इसका मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 टू जेड 10 और 9 मीन 90 पी क्यू आ जाएगा। और जो अब देखिए ये हमारा जो आइडेंटिटी बन गया है बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां पर देखेंगे हियर ए इक्वल टू 5 पी एंड बी इक्वल टू 9 क्यू, 5 पी और बी इक्वल टू 9 क्यू। तो अभी आपको ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 5 पी माइनस 9 क्यू का होल स्क्वायर, और 5 पी माइनस 9 क्यू मीन्स 5 पी माइनस 9 क्यू और 5 पी माइनस 9 क्यू, ये आपका आंसर आता है। क्योंकि देखिए यहां पर लिखा 5p माइनस 9q का होल स्क्वायर, तो इसको हम दो बार लिख दिया 5p माइनस 9q 5p माइनस 9q। n है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। देखिए ये a है और यहां पर 1/4 को हमें b के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इधर लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस ये वाला स्पेस अभी छोड़ दीजिए और इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए इक्वल टू एक्स हो गया, बी इक्वल टू 1/2 हो गया, तो क्या लगेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 और एक कैंसिल होकर एक्स आ रहा है। तो देखिए जो अभी आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रहा है बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या है, हियर ए इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव है फैक्टराइज। इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ए स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर माइनस 25c स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो आइडेंटिटी मैंने अभी तक जिन आइडेंटिटी का यूज किया वही सब आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो यहां पर यहीं से हमारा सॉल्व शुरू हो जाएगा। और इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस इस स्पेस को छोड़ दीजिए और 16b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। देखिए ए इक्वल टू ए हो गया, बी इक्वल टू 4b हो गया, तो यहां पर क्या होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 4b। यदि हम इन सबका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8ab आ रहा है। तो इसके बाद 25c स्क्वायर को लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर। यहां पर भी दो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम बाय यूजिंग
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अभी देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या है यहां पर ए और बी इक्वल टू हियर ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू फोर बी। तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस फोर बी का होल स्क्वायर और माइनस फाइव सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर लगेगी कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा नाउ ए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस फोर बी एंड बी इक्वल टू फाइव सी। तो क्या हो जाएगा देखिए ए माइनस फोर बी प्लस फाइव सी और ए माइनस फोर बी माइनस फाइव सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर फाइव का डी है नाइन माइनस ए की पावर सिक्स प्लस टू ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री माइनस बी की पावर सिक्स। इसको हम देखेंगे तो इसको हम यहीं सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको नाइन को लिख सकता हूं थ्री स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं मैं ए क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस टू ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री और बी की पावर सिक्स को लिख सकता हूं बी की पावर थ्री का होल स्क्वायर। अगर थ्री और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर सिक्स आ रहा है। अब थ्री स्क्वायर और माइनस बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टू ए क्यूब बी क्यूब और प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो जो अंदर होगा जैसे देखिए इधर जो साइन अंदर के होंगे वो सब चेंज रहेंगे क्योंकि माइनस रख दिया ब्रैकेट के अंदर मैंने रख दिया है ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। यदि ब्रैकेट न लगाता तो यहां पे तो प्लस था और यहां पर भी प्लस था तो ब्रैकेट के पहले माइनस दिया मैंने तो अंदर जो होगा वो साइन चेंज रहेगा। जब ब्रैकेट खोलेगा तो फिर से ये आना चाहिए तो आएगा। तो देखिए इधर थ्री स्क्वायर माइनस अब यहां पर देखिए अभी जो हमारी आइडेंटिटी लग रही है मैंने अभी कई बार लिखा है ए स्क्वायर बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और देखेंगे यहां पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में ही है तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या है ए क्यूब और बी इक्वल टू क्या है बी क्यूब। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इधर नेक्स्ट स्टेप में थ्री स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस है ये ब्रैकेट हट गया। अब देखिए इधर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए ए ए इक्वल टू क्या है थ्री और बी इक्वल टू क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा आपका थ्री माइनस ए क्यू ए प्लस बी ए माइनस बी थ्री प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू और यहां पर हो जाएगा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा थ्री माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ब्रैकेट के अंदर होगा। तो जब ब्रैकेट खोलेगा ये वाला तो थ्री प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू और ये हो जाएगा थ्री माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू। ये प्लस बी क्यू क्यों हुआ क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है और ये प्लस ए की पावर थ्री था तो माइनस ए की पावर थ्री होगा और ये माइनस बी की पावर थ्री मीन्स प्लस बी की पावर थ्री होगा जब ब्रैकेट खुलेगा। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का ई है 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए 16 को हम लिख सकते हैं
फोर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और इसको अभी हम लिखेंगे फोर स्क्वायर माइनस, जब माइनस रखूंगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी रखूंगा ये टर्म रखूंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या होगा, हियर ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा फोर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब नाउ ए इक्वल टू फोर एंड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा फोर माइनस एक्स फोर प्लस ए प्लस बी मीन्स फोर प्लस एक्स प्लस वाई, और नेक्स्ट में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर फोर माइनस एक्स प्लस वाई, और इसका जो लास्ट स्टेप होगा फोर प्लस एक्स प्लस वाई और फोर माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट्स फ्रॉम हियर एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड डे, थैंक यू।